जयपुर नगर निगम में फेरबदल के बाद अब बीकानेर नगर निगम में भी बदलाव के सुर देखे जा रहे हैं। संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल के घर हुई आज एक गुप्त मंत्रणा में जहां महापौर मौजूद रहे, तो वहीं महापौर से नाराज पार्षदों की लामबंदी भी अब शुरू हो गई है। दिन भर से आज इसी चर्चा का बाजार गर्म रहा कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बीकानेर नगर निगम में भी महापौर को बदला जा सकता है। हालांकि भाजपा के पार्षद पहले भी महापौर को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं और राजनीतिक नेता भी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीकानेर नगर निगम में भी बदलाव होगा और कहीं ना कहीं ब्राह्मण गुट से मेयर बनाने की बात जो है वो आज पूरे शहर में चलती रही, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मेयर नारायण चोपड़ा रह पाते हैं या फिर आने वाले दिनों में बीकानेर नगर निगम में भी कोई मेयर चेंज किया जाएगा। बीकानेर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विक्रम जागरवाल। सभी पार्षदगण मेयर साहब के काम से संतुष्ट है, क्योंकि हमें जिस परिस्थितियों में 15 साल के बाद जिस परिस्थितियों में निगम का बोर्ड मिला हमें, और उन विकट परिस्थितियों के इतना कर्जा होने के बावजूद भी जो आज तक लगभग 250 करोड़ के सभी वार्डों में 65 वार्डों में विकास कार्य हुए हैं, ये मेयर साहब की एक सोच एक जोधपुर को एक विकास की दिशा में ले जाने की एक नई सोच के कारण ही आज सभी लगभग 250 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। इन बदलावों की चर्चा हो या फिर बदलाव हो चुका हो उसकी बात हो, जयपुर नगर निगम का ताजा बदलाव है, क्या ये बीजेपी की छवि सुधारने वाला कदम साबित होगा? 88% लोगों ने इसी के जवाब में हामी भरी है। ऐसे में बदलाव के इस बयार के बाद असंतोष की बात की जाए तो क्या खत्म किया जा सकता है? सिंघानिया साहब, आपको क्या लगता है कि जो पार्षद पहले निर्मल नाहटा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगे, वो दौर आगे भी देखने को मिल सकता है, गुटबाजी बढ़ेगी? बिल्कुल ठीक बात आपने उठाई। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो चेयरमैन बने हुए थे उनके भी इस्तीफे अभी ले लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने MLA विधायक के पास जाएंगे और अपने चेयरमैन दोबारा पद पाने के लिए भी वो कोशिश करेंगे। लेकिन अशोक लाहौट जी ने कहा है कि नए चेयरमैन बनाए जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो गुटबाजियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कोई पिछला जो चेयरमैन है वो नहीं बना तो गुटबाजियाँ हावी होगी, और पिछली बार जो महापौर निर्मल नाहटा जी को वो करनी पड़ती थी, उनका सामना करना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं अशोक लाहौट जी को सामना करना पड़ेगा। जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल निश्चित रूप से गुटबाजी तो पहले भी थी और अब आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, क्योंकि जो जैसे धर्म सिंह सिंघानिया जी ने बात की वो बात सही है, जिन चेयरमैन से यदि पद ले लिया दूसरे नए चेयरमैन को काम दे दिया तो आपसी में गुटबाजी होना स्वाभाविक ही है और निश्चित रूप से गुटबाजी बढ़ेगी और असंतोष बढ़ेगा। अभी भी जो मेयर साहब को हटाया है वो असंतोष और पार्टी की गुटबाजी और भ्रष्टाचार ये सब मिलकर उनसे इस्तीफा लिया है। क्या कहेंगे मनीष परीख साहब, यहाँ तो न तो रंग चोखा आ रहा है और न ही कवायद रंग ला रही है आपकी? नहीं, कुल मिला के बात यही है कि इनको तो केवल आरोप के लिए आरोप लगाने हैं। मैंने पूरे शो के दौरान ये कहता रहा, एक आरोप बताओ भ्रष्टाचार का, नहीं बता सके। असंतोष अब भ्रष्टाचार की बात नहीं है, मनीष परीख साहब आप मसले को घुमाइए मत, सीधी सी बात, नाराज पार्षद क्या आप खुश होंगे? कोई नाराज नहीं है, अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं कॉमन सेंस से, अगर इनका कहना सच, बोर्ड मीटिंग में वो लोग जो खिलाफ में नारे लगाते थे क्या आप आराम से बैठ जाएंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा मान रहे हैं उसके कारण लगा रहे थे, उनको तो मान लेना चाहिए कि वो नारे बंद हो जाएंगे। एक ये इस बात पे मानो आप, चिट भी मेरी पट भी मेरी दोनों कैसे हो सकती है? दूसरी बात मैंने आपको कहा कि जन समस्याओं के लिए बात करना कोई भी असंतोष नहीं होता है, ये एक अच्छे पार्षद का गुण है कि वो सदा ये कहता रहे कि मेरे कचरा उठना चाहिए, मेरे नाली उठनी चाहिए। अगर मान लीजिए बीजेपी का मेयर है तो फिर कचरा साफ ना हो तो भी चलेगा, ये थोड़ी होता है। अल्टीमेटली इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिसको ये असंतोष बता रहे हैं, गुटबाजी बता रहे हैं, वो जन समस्याओं के लिए चुनौतियां तो है कुल मिलाकर। मनीष गोदा साहब, इन चुनौतियों के साथ आने वाले वक्त में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्या ऐसा लगता है? देखिए, हम यदि नगर निगम की बात करें पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि नहीं, इस कवायद के जरिए जयपुर के विधायकों में भी गुटबाजी बढ़ सकती है। यही कह रहा हूँ आपको, इसी पे आना चाह रहा था कि नगर निगम का जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो चलता है कि जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वार्ड आते हैं उनसे पार्षद आते हैं और उनके ऊपर विधायक होते हैं,
तो मुझे लगता है कि अशोक लाहोटी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जयपुर के जितने विधायक हैं बीजेपी के, उनको साध करके चलना पड़ेगा। यदि विधायक सद गए तो पार्षद भी सद जाएंगे, बहुत हद तक काम ही नहीं करोगे उनके वार्डों में तो एक अलग बात है, लेकिन यदि विधायकों को उन्होंने साध लिया बहुत हद तक, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि मैं जो समझता हूँ ज़्यादातर विधायक खुश नहीं हैं इस निर्णय से, तो यदि उन विधायकों को उन्होंने साधा किसी हद तक तो बहुत हद तक पार्षद भी सज जाएंगे। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है वो तो रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, आप किसी को हटाएंगे दूसरे को लाएंगे तो उसका असंतोष आना स्वाभाविक सी बात है। तो विधायक यदि सधे तो मुझे लगता है कि उनके लिए राह ज्यादा आसान होगी, और विधायकों को संतुष्ट कर पाना, विधायकों को अपना बना पाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बदलाव की बयार है। देखते हैं कि बयार क्या गुल खिलाती है। फिलहाल आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।